कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत से कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो गई है। दरअसल पिछले एक दशक में कई चुनावों में बुरी तरह से शिकस्त झेलने वाली कांग्रेस को हिमाचल और फिर कर्नाटक में जीत मिलना किसी बूस्टर डोज से कम नहीं। बैक टू बैक दो चुनाव में जीतने से विपक्ष में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी हुआ है और राहुल गांधी का कद बड़ा है। कुछ समय पहले तक यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं के कांग्रेस के साथ आने में हिचकिचाहट हो रही थी। अखिलेश यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने का पहले ही ऐलान कर चुके हैं, तो ममता भी एकला चलो की भूमिका में हैं। अब राजनीतिक एक्सपर्ट मान रहे हैं कि कर्नाटक में जीत के बाद तमाम विपक्षी दल कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए गठबंधन से अलग होने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी दलों को साथ लाने की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक से मुलाकात की। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से भी नीतीश कुमार मिले। लेकिन इन सभी मुलाकातों के दौरान ये चर्चाएं चलती रही कि क्या ये सभी दल कांग्रेस की छतरी के नीचे आने के लिए तैयार होंगे। विपक्षी नेताओं के बयान से ये साफ था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव में जाने के पक्ष में नहीं होंगे। लेकिन पहले सांसदी जाने और फिर बंगाल खाली करने के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी राहुल गांधी का साथ दिया। इसके बाद धीरे धीरे विपक्ष साथ आने लगे। बता दें कि जीत से भले ही पूरा विपक्ष गदगद हो, अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक ने बधाई दी। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, कर्नाटक का संदेश ये है कि भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, अमीरों मुखी, महिला युवा विरोधी, सामाजिक बंटवारे, झूठे प्रचार वाली व्यक्तिवादी राजनीति का अंत काल शुरू हो गया है। वहीं बता दें कि कर्नाटक की जीत से विपक्षी दलों में उम्मीद जागी है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक तरफा बढ़त नहीं है। यदि बेहतर रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरा गया तो कोई बदलाव भी हो सकता है। हालांकि जहां एक और नीतीश, ममता जैसे नेता कांग्रेस की जीत से खुश हैं, तो वहीं व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए ये एक जनदेश किसी झटके से भी कम नहीं है। दरअसल इन सभी नेताओं के बारे में ये चर्चाएं चलती रहती हैं कि इनकी ख्वाहिश प्रधानमंत्री बनने की है।